सीन्स ना यादगार होते हैं, जैसे वादियों में यूं शिफॉन की साड़ी में लहराती हुई हीरोइन, वैसे ही कुछ यादें भी ऐसी होती हैं जो दिल के आरंभ पार हो जाती हैं। और एक ऐसा ही यादगार और इमोशनल सा सीन हो रहा है पटियाला बेब्स में, जहां मिनी और आर्या को याद आ रही है तो अपनी माँ की। बबीता की दोनों दुलारियां, एक है मिनी तो दूसरी है आर्या। छोटी सी आर्या से बबीता बहुत दूर चली गई है। अपनी माँ की तस्वीर को उसने देखा तो वो खुद को माँ की यादों से रोक नहीं पाई। अब मिनी का भी तो हाल कुछ वैसा ही है, बबीता उसकी जहन में है, उसकी रूह में है। अब वो छोटी बहन को सहारा दे रही है, लेकिन इसी के साथ वो अपना दर्द भी छुपा रही है। कहने को तो वो बड़ी बहन है, लेकिन एक माँ की तरह उसने आर्या को खुद में समा लिया है। आज एक बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन हो रखी है, इधर काले बादल छाए हुए हैं सेट पर क्योंकि आर्या को रुलाना था और उसकी वजह से यूसुफ सर भी वैसा एक माहौल क्रिएट कर देते हैं ताकि वो रोए सच्ची में। सो आई गेस बहुत बड़ा हाथ होता है इनका हम सभी को परफॉर्म करवाने में, स्पेशली आर्या को परफॉर्म कराने में। इस सच में मिनी और आर्या का ये सीन एकदम रियल है ना, और रियल लगे भी क्यों ना, सीरियल के डायरेक्टर साहब जो है ना, उन्होंने दोनों बहनों को एकदम इमोशनल कर दिया और खास करके आर्या को। अब छोटी आर्या के साथ जरा सुनिए क्या किया जाता है। डिफिकल्ट काम है इसको रुलाना, माहौल क्रिएट करना पड़ता है, वैसे माहौल बनाना पड़ता है। But she is, no doubt, अच्छा काम कर रही है। थोड़ा डिफिकल्ट है रुलाना, पर ठीक है। गंदा काम कर रही हूँ। वो तो वो रुलाने के लिए बोला था। रुलाने के लिए बोला था। नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पक्का। आप भी अच्छा काम कर रहे हो, अश्विनी भी बहुत अच्छा काम कर रही है। बच्चों के अंदर इमोशन लाना, ये सच में किसी बड़े टास्क से कम नहीं है। छोटे बच्चों के साथ जो ऐसे सीन्स करते हैं उन्हें तो भाई नानी याद आ जाती है। 100% गिल्ट फील होता है, 100%। बच्चे को रुलाना, इट्स ऑब्वियसली नॉट, यू नो, फील बैड, बट कांट हेल्प इट, इट्स माय जॉब। तो वो रोना तो आ ही जाता है अपने बच्चे को रोता हुआ देख के, सो आई थिंक एवरी मदर इज लाइक दैट। एक बार मेरा जब स्कूल का सीन था तो हम स्कूल में गए थे, तो मेरी मम्मा मॉनिटर पे, जब मैं मॉनिटर पे बैठ के रो रही थी मेरे सामने। हमारी तो साइन लैंग्वेज में बात चलती रहती है, तो सर बताते रहते मुझे क्या करना क्या नहीं करना, कैसे उसे क्या माहौल रखना है। तो हाँ, इसका जब मैं मेरी बैक होती फिर भी मुझे इमोट करना पड़ता था कि ये भी फील में आए। तो हाँ, मिलके करते हैं सब लोग। ये छोटी बहन का मूड ठीक करने के लिए उसने सितारों को आर्या के कमरे में सजा दिया है। खैर, अब मिनी ये समझ गई है कि आर्या को उसे ही संभालना है, और हम जानते हैं बबीता के संस्कार मिनी में है और मिनी ये जरूर पूरा करेगी।
मुंबई से सोमा वैद्य अवस्थी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। टेलीविजन की हीरोइंस, फॉर दैट मैटर कोई भी हीरोइन वादियों में झूम कर नाचती है तो यकीन मानिए देखने वाले बस देखते रह जाते हैं। वैसे झूम कर नाच तो रही है बेचारी मुस्कान भी, और लीजिए मुस्कान में रौनक और मुस्कान की मुलाकात फाइनली हो ही गई क्योंकि रौनक ने मुस्कान को नाचते हुए देख लिया। मुस्कान और रौनक की हो गई मुलाकात। लीव के बाद रौनक को पहली बार मिली है उसकी मुस्कान, तो एक बार फिर मिल गए दो प्यार करने वाले। मुस्कान तो पहुंची थी एक जगह नाचने, किसी पार्टी में मीरा के नाम से वो मुंह पर रुमाल बांध कर नाच रही थी और लोग उसका नाम सुनते ही चीखने चिल्लाने लगे थे और उसके ठुमके पर न्यौछावर हो रहे थे। क्योंकि मुस्कान ने भले ही ये सब छोड़ दिया था मगर वो पैदा हुई थी इसी बदनाम गली में और ये सब बचपन से देखती आई है, सीखती आई है, तो डांस तो अच्छा करेगी ही, भले ही फिर उसकी मर्जी हो या ना हो। ये ऐसा एक ब्लैक डार्क पास्ट है उसका, जिस गली जाने में हर बार मुस्कान झिझकती है, पर इस बार वो थोड़ा कॉन्फिडेंटली गई है क्योंकि उसने एक्सेप्टेंस जो होता है वो हो गया है। अब उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि उसकी बेटी को बचाने के लिए माँ और बाप दोनों का फ़र्ज़ उसे ही निभाना पड़ेगा, क्योंकि उसने रौनक और उसकी हस्ती खेलती खुशहाल ज़िंदगी को देखा बहुत करीब से। घूंघट में गई थी वो घर में, निशा ने बहुत चैलेंज किया है मुस्कान को, ओपनली चैलेंज किया है, तो अब उसको उसके सामने सिर्फ एक ही है जो है रोशनी, और रोशनी की ज़िंदगी बचाना, तो उसके लिए ये कर रही है ये काम। और बाबूजी को वॉर्न करके गई है कि 11 बजे मेरा आउट टाइम है, 11 बजे मैं निकल जाऊंगी, मेरी बेटी का ख्याल रखना है मुझे। मुस्कान यहीं पर नाच रही थी और उसके चाहने वाले उसे घेर कर उसके साथ डांस कर ही रहे थे और वहीं मुस्कान के रौनक जी आ गए। और अपनी मुस्कान को पहचान गए, उसके चेहरे से उसका मास्क हटाकर उसे देखते रह गए और फिर इमोशनल होकर दोनों एक दूसरे के गले लग गए। हालांकि इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मुस्कान की हर मुश्किल दूर हो गई। सर जी यानी कि बाबूजी अभी भी जिंदा हैं और उन्होंने मुस्कान के लिए और भी कोई मुसीबत जरूर तैयार रखी होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। टेलीविजन पर अब एक नए शो का आगाज होने जा रहा है जिसका नाम है बाबा साहेब अंबेडकर एक महानायक। जी हाँ, इस महानायक की महागाथा सुनने के लिए तो हम भी बेकरार हैं, लेकिन उससे पहले सीरियल का आखिरकार क्या होगा फ्लेवर और कैसा होगा तेवर, आइए आपको दिखाते हैं।
नन्हे अयूत से जो आपको जल्द ही नजर आएंगे NTV के शो एक महानायक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर शो में। अब महानायक की कहानी आपको बचपन से देखने मिलेगी। इस सीरियल में अयूत बाबा साहेब का किरदार निभा रहे हैं, लेकिन इस किरदार के पीछे अयूत में एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा भी छुपा है। शूटिंग पर जब ये नन्हे मुन्हे बच्चे मिलते हैं तो शूटिंग एक तरफ और इनकी मस्ती एक तरफ होती है। क्या नहीं क्या तो शिक्षा को किसने बांटा, जब प्यास से क्या तो पानी को किसने बांटा, बताओ ना माँ हम लोगों को जातियों में किसने बांटा। जिस दिन मैं किताब लिखूंगा सबको बराबर का हक दूंगा, मैं भीमराव अम्बेडकर, थैंक यू। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पर इस शो की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है जहाँ पर हमारी मुलाकात इस सीरियल के बाकी किरदारों से हुई। संविधान लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, एक छोटा बच्चा भीमराव सकपाल, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कैसे बना, इसकी ये जर्नी है। नींव मजबूत हो अगर तो ही पेड़ अच्छे फल देता है, तो ये नींव मजबूत करने का काम जो करते हैं हमारे जीवन में जो हमारे माता पिता है, हमारे घर वाले हैं, तो जाहिर है कि भीमाबाई और रामजी जो बाबा साहेब अम्बेडकर के माता पिता थे उनका बहुत बड़ा योगदान है इस तरह का उनका चरित्र जो घटा है उसमें। अब इस सीरियल में बड़े बाबा साहेब अम्बेडकर का ट्रैक आने में तो अभी वक्त है, जहां पर कहानी सीरियस हो जाएगी जिसमें हमारे संविधान को बताया जाएगा, ये सब तो हम जानते हैं, लेकिन अभी के लिए तो हमें अयूत की ये छोटी छोटी मस्ती बहुत ही प्यारी लग रही है। मुंबई से वेजरी तांबड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। देखिए क्रिकेट के शौकीन IPL को खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन अगर आप टेनिस के शौकीन हैं और खेलने का और खेल देखने का शौक रखते हैं तो देयर्स गुड न्यूज़ फॉर यू, क्योंकि टेनिस प्रीमियर लीग का आगाज़ हो चुका है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार कैसा होगा जलवा TPL का। ये है युद्ध का मैदान, लेकिन ये युद्ध का मैदान ना तो महाभारत का है, ना ही राधा कृष्ण का और ना ही श्री राम की लड़ाई का मैदान है। इस लड़ाई के मैदान में होगी एक प्रोड्यूसर की लड़ाई। ये वही जंग है जो प्रोड्यूसर सिद्धार्थ तिवारी अपने सीरियल्स में किरदारों से करवाते हैं। वहाँ पर भी कृष्णा को जंग लड़नी पड़ती है अपने दुश्मन के साथ, तो श्री राम दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते हैं। महाभारत में अर्जुन ने सबको धूल चटा दी थी, तो आज इस जंग में तिवारी जी की भी परीक्षा होगी। अपने दुश्मनों को उन्हें धूल चटाना होगा, जो कि एक मुश्किल काम है। This is the only sport I play. तो जब मुझे बोला गया कि क्या आप ये टेनिस लीग में ये टीम लेना चाहेंगे, तो मुझे लगा बिल्कुल, बिकॉज ये मेरा पैशन स्पोर्ट है। मैं वर्ल्ड में कहीं पे भी मैचेस होते हैं मैं देखता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ सारे वर्ल्ड में मैचेस देखने के लिए, तो वो सब भी मैं करता हूँ। तो मेरे लिए ये काफ़ी आई रियली अंडरस्टैंड द स्पोर्ट, ऐसा नहीं है कि जस्ट आई गॉट इन टू इट विदाउट अ रीज़न। तो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्पोर्ट को बढ़ाने की, आप सबके थ्रू से और व्यूअर्स के थ्रू से और प्लेयर्स के थ्रू से। सो वी आर गोना गो ऑल आउट एंड मेक दिस लीग बिगर एंड बिगर बाय द ईयर।
यहाँ पर इंडिया के टेनिस के टॉप के प्लेयर्स हैं, साथ में सिद्धार्थ तिवारी भी, जिन्हें सपोर्ट करने के लिए उनके शोज के सभी सितारे आए हैं। जी हाँ, यहाँ पर हो रहा है टेनिस प्रीमियर लीग, जिसमें सिद्धार्थ कुमार तिवारी की टीम का नाम है पंजाब बुल्स। ये मेरा स्वास्थ्य का परिवार है, हमेशा हम साथ में रहें, यही मैं चाहता हूँ। और मेरे वाइफ और मेरे बच्चे भी आ जाएं, क्योंकि एक नई चीज़ की शुरुआत थी, तो मैंने इनको बोला कि आ जाओ, तो सब आ गए सपोर्ट में, वही बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरे बोर्डिंग स्कूल में एक्चुअली टेनिस कोर्ट हुआ करता था, एक नहीं दो थे, बिकॉज आई वॉज इन अ बोर्डिंग स्कूल, और वहाँ पे कई बार हम लोग खेलते थे, बट आई एम नॉट लाइक अ प्रो एट इट, बिकॉज मुझे हमेशा फुटबॉल खेलना अच्छा लगता था, टेनिस भी बढ़िया है। सिद्धार्थ सर ने यहाँ के हर एक एक्टर को सपोर्ट किया है, सपोर्ट ही नहीं, मोटिवेट किया, एक प्लेटफॉर्म दी, हर एक चीज़ दी है, बिल्कुल, एंड वॉट एवर ही इज डूइंग इन टुडेज डेट इज़ अ वेरी गुड थिंग। स्पोर्ट्स को वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, अपनी साइड से जितना हो सके वो स्पोर्ट्स को, इवन ही साइड, पहली बार हम मिले, हमने उन्होंने वही तो बोला कि स्पोर्ट्स को इंडिया में और थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए, विच वी अग्री एंड विच वी सपोर्ट। इज ऑब्वियसली गो सिद्धार्थ एंड यू हैव बॉट अ टीम एंड मे दिस बी अ वेरी नाइस एडिशन टू ऑलरेडी सच अ बिग लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू आर डूइंग। नहीं, इस बार खिलाड़ी भी सिद्धार्थ नहीं चुने, और ओवरऑल बहुत खुशी की बात है। आई होप ये टूर्नामेंट जो अभी अपने सेकेंड सीजन में है, I think with all of us combined and Swastik also coming on board and Siddharth and me, we really have a passion for tennis and that is the only reason why we are here. All the best to Siddharth sir for this. और आज हम यहाँ पे सर को सपोर्ट करने आए हैं, उनके लिए cheer करने आए हैं, क्योंकि जो पंजाब बुल्स टीम है उनकी, हम सब भगवानों का आशीर्वाद उनके साथ रहेगा, साथ ही साथ हिमांशु और शिव्या का भी सपोर्ट उनके साथ रहेगा। एक्टर्स को हमने क्रिकेट खेलते हुए देखा है, फुटबॉल खेलते हुए देखा है, लेकिन अब एक प्रोड्यूसर टेनिस खेलेगा और उन्हें सपोर्ट करेंगे टीवी के सितारे। भाई अच्छा है, हौसला अफजाई करने से ही तो हौसला आता है, और हम जानते हैं कि पंजाब बुल्स एक कामयाब टीम है, वो जरूर जीतेगी। मुंबई से आरती गुप्ता पांडे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे यकीन मानिए, टीवी की दुनिया भी क्या कमाल है। यहाँ दिल्ली की ठंड में हम यूं वादियों वाला सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, शिफॉन की साड़ी में लहरा रहे हैं, तो वहीं मुंबई में कानपुर का सीन क्रिएट कर रही हैं हमारी भाभी जी, यानी कि अनीता भाभी जी। जी हाँ, मुंबई में तो ठंड उतनी पड़ती नहीं, लेकिन कानपुर में तो अभी लोग ठिठुर रहे होंगे, तो बस उसी सर्दी के लिए बैठी हुई तैयार हो रही हैं सौम्या टंडन भी। सर्दियों का भी मौसम है, और आप सब लोगों को पता ही है कि मैं अपने शो में अपने कपड़े खुद डिज़ाइन करती हूँ, तो क्या होता है कि 3-4 महीने बाद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक नया स्टाइल, एक नया अंदाज़ लाया जाए, तो मैंने सोचा कि अभी विंटर्स भी हैं, मैंने अपने कलेक्शन को थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया। जैकेट्स जो हैं वो हर किस्म की चीज़ पे पहने जा सकते हैं, जैकेट्स जो हैं आप अपने रेगुलर चूड़ीदार पे भी पहन सकते हैं, रेगुलर प्लाजो पे भी पहन सकते हैं, जीन्स पे भी पहन सकते हैं, ट्राउज़र पे भी पहन सकते हैं, और जैकेट्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वेस्टर्न जैकेट्स हों, आप बहुत ही ट्रेडिशनल मटीरियल को भी जैकेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसको थोड़ा इंडो वेस्टर्न लुक देकर, कंटेम्प्रेरी लुक देकर उसको अलग अलग किस्म से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ये एक है, ये मतलब जो फैब्रिक है ये बनारसी फैब्रिक है, सिल्क है ये, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा एक इंडो वेस्टर्न ट्विस्ट देकर इसको कुर्ते की जगह मैंने इसको अपने रेगुलर रेड ट्राउज़र पे पहना, नॉट ऑन चूड़ीदार, नॉट ऑन प्लाजो, लेकिन रेड ट्राउज़र के ऊपर ये जैकेट पहना और इसको स्लिट दे दिया, लंबा स्लिट, सो इट इज़ समथिंग लाइक अ इंडो वेस्टर्न लुक।
तो ये ना तो कुर्ता है ना ये जीन्स है, बट इट्स समथिंग इन बिटवीन, सब कुछ बीच में है। जैसे कि ये है जैकेट, ये भी देखिए बहुत ही ट्रेडिशनल फैब्रिक है, बनारसी फैब्रिक है, और इसको मैंने सिंपल ब्लैक जीन्स, ब्लैक गंजी और उसके ऊपर एक ऊपर ये इस तरह का ट्रेडिशनल जैकेट आप पहन सकते हैं। तो है वेस्टर्न ड्रेस लेकिन एक इंडियन अंदाज में है, तो इसे कहते हैं जैसे ईस्ट मीट्स वेस्ट, उस अंदाज में दिया है। और चूंकि सर्दी का मौसम है तो हमेशा एक लेयर ऑफ जैकेट या एक कुछ और एक्स्ट्रा लेयर पहनने से आपकी ठंड भी बच जाती है, और इसको आप थोड़ा ड्रेसी भी बना सकते हैं, इसको आप किसी अच्छे फंक्शन में भी पहन सकते हैं, और आपको बहुत ट्रेडिशनल ना होते हुए भी आप मॉडर्न भी लग सकें। अब ये बड़ा एक डिफरेंट अंदाज है, ये देखिए जैकेट जो है ये एम्ब्रॉयडर्ड जैकेट है, इसमें फुलकारी जिस तरह का काम होता है ट्रेडिशनल, और इसके नीचे वेस्टर्न ट्राउजर है, हाई वेस्टेड वेस्टर्न ट्राउजर, तो अंदर आप एक गंजी पहन लीजिए और इसके नीचे ये सैटन का हाई वेस्टेड ट्राउजर और उसके ऊपर से ये जैकेट डाल लीजिए। तो ये बड़ा मज़ा आता है मिक्स एंड मैच करने में, और इट्स यंग ट्रेडिशनल येट वेरी मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी। शॉर्ट जैकेट्स भी यूज़ किए हैं, कई बार क्या होता है हमारे हमारे जो कबर्ड में पुराने कुर्ते पड़े होते हैं, अब वो पुराने कुर्ते जो होते हैं ना वो फेंके जाते हैं ना वो रखे जाते हैं, लेकिन उनको दोबारा पहनो तो फिर ऐसा लगता है ओफो ये तो हज़ार बार पहन लिया मैंने, तो मैं क्या करूं? तो बहुत सिंपल है, जो मेरे पास पुराना ब्लैक कलर की सिंपल कुर्ती रखी हुई थी उसके ऊपर एक बहुत बढ़िया खूबसूरत वाइब्रेंट एम्ब्रॉयडर्ड जैकेट अगर बना लिया जाए और उसके ऊपर ये जैकेट पहना जाए तो कुर्ते के ऊपर एक नया अंदाज़ भी आ जाता है, और आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने तो एक नया ड्रेस बना लिया, लेकिन है पुराना ड्रेस, उसमें सिर्फ आपने एक एलिमेंट ऐड कर लिया। और ये देखिए ये सिल्क का जैकेट है, तो जब आपका दिल करे तो आप ये जैकेट पहनिए, कभी आपका दिल करे तो वो जैकेट पहनिए। एक और अंदाज़ है जो कि जैकेट और टॉप के बीच में है, ये तो मैंने पूरा फुल एम्ब्रॉयडरी किया हुआ था, और इसको थोड़ा सा और यंग और थोड़ा फ्रेश लुक देने के लिए आप ऑर्गेन्जा की स्लीव्स बना सकते हैं, उससे थोड़ी फ्लफ़ी थोड़ी इंग्लिश एक लुक आ जाता है। तो अलग अलग टेक्स्चर्स और सिल्क के ऊपर ऑर्गेन्जा स्लीव्स, सिंपल जॉर्जेट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी। ये जैकेट है, मैंने क्या किया इसमें दो तीन मटेरियल को यूज़ किया, मतलब तीन मटेरियल्स हैं एक्चुअली, तीन किस्म के, तीन अलग अलग किस्म के प्रिंट हैं, उन तीन अलग अलग किस्म के प्रिंट को मिक्स करके एक जैकेट बनाया। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत ही अलग सा कुछ है, लेकिन एक्चुअली अलग कुछ नहीं है, क्लॉथ मटेरियल में जाके तीन अलग अलग प्रिंट्स को कंबाइन करके भी एक जैकेट बनाया जा सकता है। इसको आप जीन्स पे पहन सकते हैं, प्लाजो पे पहन सकते हैं, कुर्ते पे पहन सकते हैं, और आजकल अगर थोड़ा और हाई फैशन बनना है तो साड़ी पे भी पहन सकते हैं। एकदम जैसे सिंपल जॉर्जेट का फ्रॉक की तरह है, लेकिन उसको हाई स्लिट दे दिया एकदम सिंपल, और उसको ब्लैक जीन्स के ऊपर पहन लो, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक जीन्स के ऊपर एक लंबा सा टॉप जिसपे हाई स्लिट है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा इंडियन ट्रेडिशनल जो हमारी वीव्स हैं, जैसे सिल्क, बनारसी, जैसे कि एक फुलकारी जो हमारे पंजाब में काम होता है, या इक्कत जो उड़ीसा का कपड़ा है, कश्मीरी कढ़ाई, और बहुत अलग अलग किस्म के जो वेजिटेबल प्रिंट्स जो गुजरात के हैं, इतना हमारे देश में इतनी वैरायटी है, उन सब फैब्रिक्स को और मटेरियल्स को यूज़ करके कितना कुछ बन सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि ट्रेडिशनल चीज़ें ही नहीं, बहुत सारी मॉडर्न चीज़ें भी बन सकती हैं ट्रेडिशनल कपड़ों से। हमारे पास चॉइसेस बहुत हैं, लेकिन फिर भी हमको लगता है उफ हमारे पास तो चॉइस ही नहीं है। तो इसी सब को एड्रेस करने के लिए कुछ ऐसे मिक्स मैच करके नए अंदाज लाने पड़ते हैं। वैसे यकीन मानिए ये
वादियों वाला रोमांस लगता कमाल का है। वैसे रोमांस चाहे जैसा भी हो एकदम मौसम को रुमानी कर देता है, और कुछ ऐसा ही सगाई से पहले रुमानी वाला रोमांस तो कर रहे हैं कार्तिक और नायरा भी। जा रहे हैं नायरा कार्तिक से उनकी शादी के दिन। एक एक दिन उनके लिए एक एक साल के बराबर हो रहा है। नायरा और कार्तिक की सगाई की तैयारी पूरी हो चुकी है। शेरवानी पहनकर कार्तिक भी तैयार है, तो वहीं एक खूबसूरत गाउन पहनकर तैयार है नायरा भी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बस एक दूसरे में खो गए। हमेशा की तरह कार्तिक नायरा को छेड़ रहे हैं और नायरा नाना नाना कर रही है। अब भी इसकी नाना के पीछे ही तो हाथ छुपी है। होगी लेकिन सगाई से पहले थोड़ा रोमांस तो चाहिए ना। वो क्या है ना, हल्के फुल्के रोमांस से इन दोनों को थोड़ा सा आत्मविश्वास आ जाता है कि हाँ सही में अब हम एक दूसरे के होने वाले हैं। नायरा का ये खूबसूरत गाउन तो देखिए जो सच में बहुत ही खूबसूरत है। आजकल शादी ब्याह के फंक्शन में कुछ ऐसे ही ड्रेसअप किया जाता है। अब ये शादी एक बड़ी शादी होने वाली है, तो इसका ठाट बाट भी तो वैसा होना चाहिए। मुंबई से सोमा वैद्य अवस्थी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।